गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। एंड वेलकम करती हूँ आप सबका दिशु की दुनिया में। आप सब बहुत हेल्दी होंगे, सेफ होंगे, और जो भी लेडीज प्रेग्नेंट है उनके लिए बहुत सारी प्यारी प्यारी बेस्ट विशेस। सो गाइस, मेरे पास बहुत दिन से कमेंट आ रहे थे कि मैं ना FHR के ऊपर मैं वीडियो शेयर करूँ आप लोगों के साथ में। एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। एंड अभी थोड़े टाइम पहले मेरी एक फ्रेंड और सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे, तो मैं 20th वीक के उनको FHR चाहिए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। मेरे पास में 19 वीक्स एंड 6 डे का जो मेरा अल्ट्रासाउंड है वो है। सो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना मैं शेयर कर देती हूँ। और मुझे बेबी बॉय हुआ था, मैं आप लोगों को बता दूँ। सो जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। आई होप आपको आज की वीडियो भी यूज़फुल लगेगी, और आने वाली वीडियोस तो यूज़फुल होंगी ही आप लोगों के लिए। वैसे तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहती हूँ, लड़के और लड़की में कोई भी फ़र्क नहीं होना चाहिए, और ना मैं करती हूँ ना इस चीज़ को मैं बढ़ावा देती हूँ। मेरी बेबी गर्ल हुई थी तब भी मैं उतनी ही खुश थी जितनी कि मैं आज इस टाइम पर हूँ जब मेरा बेबी बॉय मेरे साथ में है। तो दोनों को मैं बराबर इक्वली प्यार करती हूँ, ना मैं बेटी को ज़्यादा प्यार करती हूँ ना मैं बेटे को, क्योंकि बेटी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितने कि बेटे इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, हमारी लाइफ में। सो गाइज, जो मेरा अल्ट्रासाउंड है वो है एनिमली स्कैन, जो भी मैंने पहले भी आप लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई होप आप इस वीडियो के बाद में ज़रूर देखेंगे। सो आप लोग प्लीज़ देखिएगा, वो बहुत एक यूज़फुल अल्ट्रासाउंड है जो इस तरीके का होता है। और इसकी आपको अगर फुली वीडियो देखनी है तो आप उसी वीडियो पे जाके देखिएगा, क्योंकि अभी मैं दोबारा से रिपीट नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि एक बार मैंने पहले ही दिखा दी है। तो यहाँ पे देखिए, जो ये मेरा अल्ट्रासाउंड है वो मेरा 19th एंड 6 वीक्स का है। जी हाँ, एंड आप LMP देख सकते हो। एक सेकेंड, मैं अपनी डिटेल्स ऐसे नहीं दिखा सकती हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से दिखा रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये Level 2 अल्ट्रासाउंड है, Level 2 स्कैन, जो कि एनिमली स्कैन भी बोला जाता है जैसे कि मैंने अभी बताया। और यहाँ पे मेरी जो LMP है वो है 10th अगस्त 2019, 10/8/2019। एंड उसके बाद में जो बेबी की मेच्योरिटी है, जो एज है, वो यहाँ पे देख सकते हैं 19 वीक्स एंड 6 डेज की है। यहाँ पे मुझे ना उल्टा दिखाई दे रहा है, आप लोगों को अभी सीधा दिखाई देगा, बट मुझे यहाँ पे उल्टा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। देन उसके बाद में FHR की बात करते हैं, तो FHR यहाँ पे क्लियरली आपको शो होगी, फीटल हार्ट रेट जो कि है मेरे बेबी बॉय हुआ है बॉर्न, उसकी है 142 BPM, का मतलब होता है बीट पर मिनट रेगुलर। रेगुलर मतलब कंटिन्यूसली चल रही थी उसकी और नॉर्मल थी, तो 142 बीट पर मिनट है मेरी बेबी की हार्ट रेट। और जो फीटल जो वेट था बेबी का वो भी मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है कि हमारे बेबी का जो वेट है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है या नहीं, बढ़ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे जो मेरे बेबी का वेट था वो था 297 ग्राम था। अभी सिर्फ इतना ही होता है, क्योंकि अभी सिर्फ स्टार्टिंग के डेज ही होते हैं, तो यहाँ पे आप प्लस माइनस 44 ग्राम्स भी देख सकते हो। तो ये प्रॉपर कभी भी एक्यूरेट नहीं आता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में आप लोगों को पता ही है वो प्रॉपर एक्यूरेट नहीं देते हैं, प्लस माइनस करके देते हैं, जिससे कि होता है ये मतलब थोड़ा सा कम भी, 44 माइनस प्लस पे इस 44 ग्राम्स ज़्यादा भी हो सकता है और 44 ग्राम्स कम भी हो सकता है। तो हार्ट बीट के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से आप जज करते हो इस चीज़ को। आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। सो मिलती हूँ इसी तरीके की प्यारी सी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर। और गाइस, कोई भी क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से वीडियो बनाती रहूँगी और आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प करती रहूँगी। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।